हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M13 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि ये एक 4G स्मार्टफोन है। इस फ़ोन के हम लोग मेन जितने भी सारे मेन फीचर्स हैं वो सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि फीचर जानने के बाद लास्ट में मैं आप लोगों को प्राइस बताऊंगा। इसमें दो वेरिएंट है, जैसे कि आप लोगों को इंटरनल स्टोरेज में और आप लोगों को रैम में थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा, इसकी वजह से प्राइस भी थोड़ा अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। फिर हम लोग लास्ट में इस फोन का लॉन्च डेट कब है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक देखते रहिए और जानिए ध्यान से और अच्छे से समझिए कि सैमसंग गैलेक्सी M13 जो 4G स्मार्टफोन है ये कब इंडिया में लॉन्च होने वाला है जुलाई महीने में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आईलेंटिक यूट्यूब चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग इस फोन के डिस्प्ले से, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी M13 के डिस्प्ले से। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को जो डिस्प्ले है वो है PLS LCD डिस्प्ले, जो कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाला है। और आप लोगों को बता दूं कि डिस्प्ले का जो साइज होगा वो 6.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जो सैमसंग का जो डिस्प्ले होगा उसी पर आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी देखने को मिलने वाला है, जो कि वर्जन 5 लेवल का होगा। बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो वो है एंड्रॉयड वर्जन 12। और अगर नेक्स्ट फीचर बात करें प्रोसेसर की, जो लोग गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो गेमिंग के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मोबाइल भी फास्ट होगा क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो सैमसंग का ही प्रोसेसर यूज़ किया गया है। उस प्रोसेसर का नाम है सैमसंग Exynos 850, जो कि हाई लेवल का आप लोगों को बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाला है। बात करें नेक्स्ट फीचर बैटरी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैकअप के लिए, वन डे या फुल डे बोल सकते हैं आप लोग। बात करें इसमें बैटरी की तो वो है 6000 mAh का, जो कि 15W के अडेप्टर के साथ में, यानी कि चार्जर के साथ में मिलने वाला है, जो कि सी टाइप चार्जर मिलने वाला है आप लोगों को। बात करें इसके नेक्स्ट फीचर कैमरे की तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग सेल्फी के दीवाने होते हैं, फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग के दीवाने होते हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, वो भी चीप प्राइस में। और स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा इस फोन का वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें आप लोगों को रियर साइड में, यानी कि मेन प्राइमरी कैमरा जो है वो ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। इसी में आप लोगों को तीन जो रियर कैमरा है 50 MP प्लस 5 MP प्लस 2 MP का, और एक आप लोगों को इस तरह से तीन आप लोगों को ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है। साथ में आप लोगों को एक LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिलने वाला है। फ्रंट कैमरे की बात करें, जो लोग सेल्फी के दीवाने हैं, सेल्फी लेने वाले जो है लोग हैं, उन लोगों को इस फोन में 8 MP का आप लोगों को सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। बात करें नेक्स्ट फीचर इसके स्टोरेज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना डेटा, डॉक्यूमेंट्स या आप लोग अपने फोटो वीडियो को आप लोग सेव रख सकते हैं, जो कि सेव रखने के लिए आप लोगों को अच्छा खासा इंटरनल स्टोरेज भी चाहिए। तो इस फोन में दो टाइप के वेरियंट दिए गए हैं, 4GB रैम, 64GB इंटरनल और 128GB इंटरनल और 6GB रैम के साथ में, इस तरह से आप लोगों को दो वेरिएंट देखने को मिलता है। बात करें इसी में आप लोगों को नेक्स्ट फीचर फिंगरप्रिंट सेंसर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे लोगों को चाहिए रहता है फिंगरप्रिंट, जो कि साइड में जहां पर पावर बटन होता है, और लेकिन मिल नहीं पाता है प्राइस सस्ते दाम में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फ़ोन है सबसे सस्ता भी है और अच्छा भी है, और इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर जो आप लोगों को मिल रहा है वो साइड में ही है, जो कि आप लोगों का फिंगरप्रिंट जो सेंसर है वही आप लोगों का पावर बटन भी होगा। बात करें अब इसके लास्ट में प्राइस की, फिर हम लोग लॉन्च डेट की भी बात करेंगे। तो इसका जो प्राइस है 4GB रैम, 64GB इंटरनल के साथ में, वो है 11,999 रुपये। और जो लोग 128GB इंटरनल के साथ में, जो लोग 6GB रैम वाला फ़ोन लेंगे, उन लोगों को इस फ़ोन का प्राइस पड़ेगा 13,999 रुपये। दोस्तों ये फ़ोन जो है सबसे पहले फ्लिपकार्ट पर लॉन्च होगा, फिर उसके बाद अमेजोन पर। दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोगों को ढूंढना न पड़े, एक क्लिक में ही आप लोग सीधा अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर पहुंच जाएं। बात करें हम लोग इसके नेक्स्ट और लास्ट फीचर की, जो कि लॉन्च डेट है वो है आप लोगों का 23 जुलाई 2022, जो कि जुलाई महीने में ही 23 तारीख को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M13 के जो मैंने सारे फीचर्स बताए हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो लोग सैमसंग का फ़ोन लेना चाहते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों मैं जल्द ही और एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही पावरफुल एक स्मार्टफोन, जो कि 5G होगा और उसका जो रेंज है वो 20 से 30 हज़ार के बीच में होने वाला है। तो उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना।